राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए महिला पुलिस कर्मियों को आगे लाया जा रहा है। सेंट्रल दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की महिलाओं के लिए पिंक बूथ लॉन्च किया है, जो सिर्फ महिलाओं की शिकायतों के लिए बनाया गया है। इस बूथ में एक सब इंस्पेक्टर समेत 4 महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। डीसीपी सेंट्रल की माने तो इस बूथ को बनाने का मकसद ये था कि दिल्ली की महिलाएं बिना डर के अपनी बात बता सके। सेंट्रल दिल्ली में पिंक बूथों को महिला पुलिस का परशक्ति भी दल संभालेगा। इस पिंक पुलिस में महिलाओं को वीरा स्क्वाड नाम दिया गया है। हर थाना एरिया के अलग अलग कोनों पर ये पिंक पुलिस बूथ होगा। ये पिंक बूथ बनाया है जिसको कि महिलाएं ही चलाएंगी और ये महिलाओं को ही समर्थित है। तो इसमें हम ये हमारा जो विजन है वो ये है कि अगर कोई कंप्लेनेंट है जो पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती है तो वो यहाँ आके अपनी कंप्लेंट दे सकती है, और जो इस एरिया की कंप्लेनेंट है वो तो बेझिझक होकर तुरंत आ ही सकती है। तो यहाँ पर हमेशा पुलिसकर्मी आपको महिलाएँ जो पुलिसकर्मी हमेशा मौजूद मिलेंगी और आपकी समस्या का निवारण करेंगी। आपको अगर कोई कानूनी सलाह चाहिए तो वो भी आपको देंगी। उसके अलावा कॉल्स को भी अटेंड करेंगी। अगर यहाँ आसपास कोई क्राइम होता है तो उसकी सूचना मिलने पर ये लोग तुरंत तो उसको अटेंड भी करेंगे कॉल को, उसको अगर कोई बदमाश है तो उसको पकड़ेंगे भी। और उस तरह की उसका 2 मोटरसाइकिल्स इसमें ली हैं, 1 PCR वैन को भी महिला PCR करके उसमें इंक्लूड किया गया। ये हमारा वीरा स्क्वाड रहेगा। ये बहुत ही बहादुर लड़कियाँ हैं और मोटरसाइकिल पे और सब पे और रेस भी कर सकती हैं। उन्होंने खुद ये मतलब इनकी इच्छा थी कि मैम हमें ऐसा मौका दिया जाए, तो वो हमने एक फोर्स अपनी खड़ी की है जो कि मेन काउंटर पार्ट्स की तरह ही पेट्रोलिंग करेंगी और जो क्राइम प्रोन एरियाज है वहाँ पे पेट्रोलिंग करेंगी। डीसीपी सेंट्रल श्वेता चौहान ने बताया कि इस महिला पुलिस के दल को वीरा नाम दिया गया है। इस दल में 6 स्कूटी चालक पुलिसकर्मी शामिल हैं और 1 स्पोर्टिंग महिला PCR भी निरंतर काम करेगी। अभी तक दिल्ली में पहली बार पिंक बूथ महिला पुलिस को समर्पित किया गया है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए आनंद कुमार की रिपोर्ट।